हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं अपने मामा के पास, उनका एग्जीबिशन लगा हुआ है प्रगति मैदान में, तो आज हम वहाँ जा रहे हैं। और शायद मैं अकेला जा रहा हूँ क्योंकि अंशु को पूछा, वो नहीं जा रहा है, तो अकेला ही जाना पड़ेगा। तो चलिए पहले चल के खाना खाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे मामा के पास। लूटो बेचारा थका हारा, चलेगा अंशु? हैं नहीं, चल ठीक है। फ्रेंड्स, अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं प्रगति मैदान, ये है 4 नंबर गेट। अब चलते हैं मामा के पास, अंदर जाके टिकट लेंगे। टिकट लग रही है शायद, बाकी अंदर जाएंगे, अंदर जाके मामा को फ़ोन करेंगे कहां पर है। गेट्स ओके, तो फ्रेंड्स चलते हैं अंदर, अंदर चल के देखेंगे क्या सीन है क्या नहीं। ओके तो फ्रेंड्स, अंदर आके सबसे पहले हमने लिए टिकट, इधर से अंदर एंट्री हो गई, यहाँ से बाकी बंदे भी आ रहे हैं। और ये है अंदर का नज़ारा, ये है टिकट। यहाँ पर दो तरीके की टिकट मिल रही थी, एक ये तो एंट्री पास और एक दूसरा VIP टिकट्स। अब VIP टिकट्स को मैंने हाथ नहीं लगाया, वो VIP, ये तो VIP है, पता नहीं कितने का होता। अब हम चुपचाप चलते हैं अंदर, अंदर चल के जहाँ पिछली बार मामा थे वहाँ पे जाके देखेंगे मामा हैं कि नहीं है, ये तो फिर फ़ोन करेंगे मामा को, सरप्राइज देते हैं पहले। फ्रेंड्स ये अंदर चल रहा है शायद, हाँ इसके अंदर ही है, ये है प्रगति मैदान। फ्रेंड्स 27 से 29 जुलाई तक तो है ये एग्जीबिशंस, हर चीज़ की एग्जीबिशन है यहाँ पे, ब्यूटी पार्लर के सामान, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, शूज़, सैंडल, जूते, ब्यूटी पार्लर का सामान। ओके तो फ्रेंड्स चलते हैं अंदर, चेकिंग टाइम है यहाँ पे, शायद वीडियो बनाना अलाउड नहीं है शायद। ओके तो फ्रेंड्स अंदर आते ही एक और हमें पर्चा मिला है, अमेज़ोन, माइका, मंत्रा, फ्लिपकार्ट, इन सब के कंपनी के जो डिटेल्स हैं, जो भी क्या मिलता है क्या नहीं, वो इस साइड है, लेकिन हमें जाना है इस साइड, तो हम चलते हैं इस साइड। तो फ्रेंड्स ये एक बोर्ड लगा हुआ है बहुत बड़ा सा, पता नहीं किस चीज़ का बोर्ड है। फ्रेंड्स अंदर एंट्री, हम एंट्री करते हैं अंदर। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए अंदर, अंदर तो बहुत ही चहल पहल है, बाहर से तो राहत है। तो यहाँ पे लेनी पड़ेगी टिकट, लेकिन हम टिकट नहीं लेंगे, बेइज्जती नहीं करवानी अपनी, मामा का स्टाफ चलता है यहाँ। तो अब मामा को फ़ोन करते हैं। और फ्रेंड्स वो देखिए सामने एक अंग्रेजन गाना बजा रही है, केरला साइड का, वो क्या बोलते हैं, कांतारा मूवी वाले। फ्रेंड्स मामा को हमने फ़ोन कर दिया है, अब मामा आ रहे हैं, आकर लेके जाएंगे। तो अब देखते हैं मामा किधर से आ रहे हैं, किधर से नहीं आएंगे, पास देंगे और लेके जाएंगे। ओके तो फ्रेंड्स मामा आ गए, ये रहे मामा, मामा आ गए। चलिए अंदर, ओके तो फ्रेंड्स अब पास आ गया अपना, अब मामा के साथ चलते हैं अंदर। तो ये रे मामा आ गए, चलते हैं अब, चलते हैं। ओके तो फ्रेंड्स अब हम मामा से मिल लिए, ये है मामा की कंपनी, मामा का ब्रांड, सॉरी मामा जिस कंपनी में काम करते हैं उसका ब्रांड, ये है अंदर से। तो मामा ने बोला अभी घूम के आ जा, तो अभी घूम रहा हूँ मैं। ये बैग्स कंपनी, बोटल्स। फ्रेंड्स ये है हेडफोन्स वगैरह, कॉल ऑन कंपनी के।
ये है बैग अर्बन गियर। ये स्पीकर, स्पीकर बूट के स्पीकर का, ये पता नहीं कौन सा प्राणी बैठा था इधर। ये बूट के स्पीकर्स, ये आपकी बेड शीट्स, वाइट ट्रे, बॉटल्स, पेन शर्ट्स, और ये बुक्स हैं आई थिंक। ये अपने मतलब की चीज़ गुलाब जामुन। अरे वाह, इधर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, चुपचाप सीधा चलेंगे। ये पता नहीं कौन सा ब्रांड है, यहाँ कोई लोगो भी नहीं लगा। शायद अभी लग रहा है। तो ये कोई बाहर की कंपनी है, उसके हेडफोन्स हैं ये। ये डायरी, डायरी की कंपनी। ये अपने ऑफिस बैग्स, फिर से डायरीज, ये पेन्स, ओए होए कितने जबरदस्त पेन है, लॉकेट्स, कार्ड, आईडी कार्ड बनवाने के लिए इनकी साइट पे जाओ और कांटेक्ट करो। पेन बड़े जबरदस्त लगे। फ्रेंड्स ये ट्रॉफीज की कंपनी है, ट्रॉफियाँ वगैरह जो बनाती है बड़ी बड़े, कोई कोई ज़्यादा ही बड़ी ट्रॉफी है। तो मूर्ति है मोदी जी, मोदी जी प्रणाम। पापा ट्रॉफी की कंपनीज है, रोहतक हरियाणा, SM कलेक्शन। ओ पापा फ्रेंड्स यहाँ पे खुशबू ही खुशबू, दिमाग हिल गया पूरा, इतना खतरनाक परफ्यूम लगा रखा है सबने। शर्ट्स, मेडल्स, फ्रेंड्स यहाँ पे शूज है, और ये VX टेक्नोलॉजी TV, आंखों में चश्मा पहन के TV देखते। ये चांदी के प्लेटें हैं शायद, पता नहीं क्या है। आपकी ट्रॉफियाँ, बड़ा ही खुला एरिया आ गया। मिल्टन के प्लेट्स वगैरह और ट्रॉफीज, और ये मिस्टर कुक एक नया ब्रांड है शायद, पंसारी, पंसारी ग्रुप है ये। तो तेल है सिर्फ नहीं, चावल भी है। अब तो फ्रेंड्स सब चलते हैं वापिस मामा के पास।
तो फ्रेंड्स ये है सजाने के लिए जगह, सजाने वाला सामान, मोमबत्तियाँ, झूमर, तो फ्रेंड ज़्यादातर हम घूम चुके हैं काफ़ी एरिया, और ये दोबारा बाहर से जाने, बाहर को जाने का रास्ता, जहाँ से आने का था वही बाहर जाने का है। और ये पता नहीं क्या है, यहाँ पे एग्जीबिशन लगी पड़ी है सबकी, यूबॉन कंपनी। हम घूम फिर के आ गए मामा के पास, ये मामा की एग्जीबिशन। ओके तो फ्रेंड्स अब आए हम शूज़ की एग्जीबिशन लगी हुई है जहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ शूज़ ही शूज़ हैं। ये रहा मेरा अपना पास, अब चलते हैं अब हम अंदर। फ्रेंड्स ये सोल, जो शूज़ की सोल वगैरह होती है वो सब है, चप्पलों की सेल, लेदर शूज। यहाँ पे ज़्यादातर सोल वगैरह होते हैं, ये लेदर किस चीज़ लेदर से पाया जा रहा है, सोल ये क्या है रे फ्रेंड्स, ये है जूते बनाने वाली मशीन। वाली बनाने वाली मशीन का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, और ये रही पूरी जूते बनाने वाली मशीन, किस तरीके से क्या बनता है, क्या बनाया जा रहा है यहाँ पे। ये है हाई क्वालिटी शूज, सबको दिखाता हूँ शूज़ अपने। ये तो वो मेन के हो गए, और मेंस के लिए मेरा कशन मेरा एशियन ठीक है, सोल काफ़ी अच्छी है, शूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। इनका प्राइस रेट बस 1900 रुपये, और इसका ये 1900 रुपये। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा रेट है इनका, सही है, चलने लायक है, लेकिन रनिंग पर्पज़ के लिए बेस्ट नहीं है। रनिंग पर्पज़ के लिए तो अपने शायद ये है, अरे वाह बहुत ही सस्ते सस्ते शूज़। ओके तो फ्रेंड्स अब अगले उस पर चलते हैं, शूज़ बन रहे हैं, शूज़ सॉरी सोल बन रही है, शूज़ की सोल इस तरीके से होती है। मोटर चल रही है, अब जनरेटर की मोटर है पता नहीं, ये सिलाई मशीन्स, आटा चक्की, बहुत कुछ है यहाँ पर। ये आतड़ियाँ रखे हैं पता नहीं क्या है, छोटे बच्चों के शूज़ बनाए जाते हैं इसमें। तो फ्रेंड ये शूज़ बन रहे हैं, क्या बना, कुछ भी तो नहीं बना,
दिखा दो भाई जल्दी, वहाँ से इस मशीन से ऑपरेट हो रहा है, उस पर कितना प्रेशर पड़ेगा और कितना नहीं, ये सब वहीं से देखा जा रहा है, कितना टेम्परेचर पे वो मेल्ट होगा, कितने पे नहीं। खैर छोड़िए, अब आगे चलते हैं। ये अपनी चक्की, थैले बनाने वाला मशीन, ये है सोल बनाने वाली मशीन। मतलब मैंने सोचा अंदर शूज ही शूज होंगे, लेकिन यहाँ पे शूज बनाने वाली मशीन से, अरे वाह फ्रेंड्स, ये पता नहीं क्या सीन है। नहीं नहीं वो नहीं, इससे पहले जो दिखाया था, शायद कपड़ा बुनने वाली। फ्रेंड्स ये कपड़ा बन रहा है, इससे कपड़ा चादर जैसा। मेक इन इंडिया, फ्रेंड्स ये हैं हम, ये शूज़ बनाने वाली मशीन है, ये शायद शूज़ को शेप देती है। ये आपको दिखा देते हैं पूरे के पूरी इस तरीके से है, वहाँ से ही ऑपरेट हो रही है। बाकी हम देखते हैं क्या है इसके अंदर, क्या सब बनते हैं। नहीं नीचे का हिस्सा बनाया जा रहा है इसका, डिजाइन बन रहा है मैट का डिजाइन। तो फ्रेंड्स ये है लेदर, लेदर कटिंग होती है यहाँ पे, लेदर से अपना जो रोल्स रॉयस वगैरह की जो कार्स होती है जिसमें लेदर यूज़ होता है, वो वाली मशीन है ये। ये पूरा लेदर है, पता नहीं किसका चमड़ा है, फुल लेदर किसका ये नहीं पता। फाइनली फ्रेंड्स अब हम निकल गए हैं बाहर, हम कपड़ों के भी शोरूम अंदर एग्जीबिशन पे भी चले गए, और शूज़ के एग्जीबिशन, शूज़ यानी कि जहाँ फैक्ट्री या किस तरीके से आपके शूज़ बनते हैं, किस तरीके से नहीं, इन सब के बारे में दिखाया है अंदर। तो मैं तो ये सोच के गया था अंदर शोरूम वगैरह है, शूज़ होंगे बहुत सारे, तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सब चलते हैं अब घर की तरफ, आज का ब्लॉगिंग ख़त्म करते हैं, बारिश होने वाली है बहुत तेज, बादल आ रहे हैं कड़ाके तक, तब यहाँ से निकलते हैं बाहर और चलते हैं घर। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट शेयर लाइक करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।